बहुत सी तरह के तेल तेल लगे तेल जापानी तेल है जाके अंदर नहीं निकालने गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और मैं तो बढ़िया भाई। तो आज कर रहे हैं ब्लॉग स्टार्ट। और ये देखो, इसको पहले ही पीट रखा है मैंने ढंग से। अरे ये बता भाई, ओ लग जाएगी इसे, स्कूल चला जा। नहीं बहुत मारूंगा, बहुत सारे स्कूल जा रहा है। आज इसका पेपर है और इसका एक पेपर रह गया लास्ट, जो कि बंगला को तो बंगला आती ना है। इतना बड़ा यार बंगला, बंगला अब कोलकाता में रहे तो बंगला तो सीख ही पड़ेगी। सही बात है क्या? ना बालों बहुत बेगाड़ ही रखे, बेगाड़ कह रहा हूँ। थोड़ी बहुत आते बस तुम्हें बहुत सुना हुआ। तो गाइस, आज स्कूल तो जाना नहीं है हमें, स्कूल नहीं जाएंगे। अगर पता ही था आपको स्कूल तो जा ही नहीं। तो आज मेरा दोस्त आएगा पार्क स्ट्रीट पर, उसको मिलेंगे, जाके घूमने चलेंगे फिर उसके बाद कुछ कर। तो आ गए हैं पार्क स्ट्रीट में, उनसे बोला बाहर आ जाओ। अब ये कहीं उधर से कहीं उधर की साइड पे चला जाए, फिर यार उधर जाना पड़ेगा। अब वो आ रहा है, फिर देखें कहाँ पे जाना है घूमने। वैसे क्या तो राधा म्यूजियम की, यार म्यूजियम में गया तो फिर यार वीडियो नहीं बना बनाऊंगा, उसमें तो भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। देखते कहीं और चलेंगे। अभी चप्पल पहन गया पता, देखो अरे अपना देसी बंडा है भाई, दिखाना थोड़े ना किसी को। ऐसे चल गाइस, अभी अपन चलते हैं। वो पता क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि कपड़े वगैरह पहन के आइयो, आराम से घूमने चलेंगे। मैंने चूतिया है क्या, अपन देसी हैं ऐसे ही जाएंगे। अरे यार हमसे बोल के कह रहा मेट्रो स्टेशन पकड़े हैं, ठीक है। और ये रहा मेट्रो, जो सॉरी मेट्रो का ये बगल में ही थे भाई। कौन सा नंबर है? एक नंबर है, एक नंबर गेट है, ठीक है। और क्या कह रहा था कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तू कहाँ पे था? मैं यहीं पर था। कहाँ पे था? यहीं झूठ बोला, मुझसे कह रहा कहाँ पे है। और ये नए भाई हमारे, तो तो गाइस, और अभी अपन चल रहे हैं म्यूजियम में, लेकिन यार उसमें ब्लॉग बना नहीं पाएंगे। फोटो डाल दूंगा और उसके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप देख लेना। वैसे यार देख लेना भाई का बात, नया नया आया था यहाँ पे, तो मैंने दो तीन दिन बाद लगा भैया की, मान लें दो दिन हो पाए थे। मैं दूसरे दिन चला गया म्यूजियम में दिखाने के लिए, ब्लॉक का जब ज़्यादा जो सड़ा था, तो मैंने कहा चलो आज चलते ही हैं। तो मैं निकल गया भाई, उसने क्या हुआ था, 100 रुपए लिए था अलग से। वैसे 50 रुपए लगते हैं, लेकिन उसने 100 रुपए ठग लिए थे मुझसे। और कह रहा तो वीडियो नहीं बना सकता, फोटो खींचो। मैंने यार 100 रुपये ले जानते यार, बेइज्जती कर दूंगा 100 रुपये लेके। अब मैंने कहा अब 100 रुपये तो दे लें, ठीक है, अब वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैंने भाई छुप छुप सारी वीडियो बना डाली, लेकिन ये था अगर पकड़ लेता आपको कम से कम 10,000 रुपये का चालान कट जाता मेरे ऊपर। चालान था उसके ऊपर भाई, बहुत कर रही। कितना जरा यहाँ तुम अरे ये रहो किधर है, जहाँ है यहीं बस बस पकड़ में। बता दूँ ये पता है, स्कूल बंक करके आया बहुत बच्चों की वाली बात है। तो स्कूल वालों का क्या किया, स्कूल वालों का क्या किया इसमें, पता मैं जैसा मैंने कहा स्कूल को बंक मत करो अगर, लेकिन मानता हूँ। फिर भाई ये आया बंदा, और ये रहा इंडियन म्यूजियम। तो इसके अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते, बाहरी से बना लें। वैसे देखने में तो अच्छा लगता है, अभी चलेंगे अंदर इसके। उधर की साइड में टिकट कटवा लो अपनी, फिर चले जाए। मैं तो यहीं पे रहता हूँ ना पास में। टिकट का चार्ज क्या है? टिकट का चार्ज टिकट का वही होगा 40-50 रुपये, देखना पड़ेगा भाई। बड़े वीडियोग्राफी को 5,000 रुपये, उस दिन मैंने 100 रुपये बता दिया तो पूरा। और सामने ऊपर है फॉरेनर के लिए 500 रुपये, हमारे लोगों के लिए 50 रुपये। गाइस अभी चलते इसके अंदर, अंदर तो बना नहीं सकता, फोटो बना के दे दूंगा बस। 5,000 रुपये फाइन, और ऊपर भी आ सकता कोई पता नहीं। तो चलो भाई चलते हैं। तुमको बोरिंग इस म्यूजियम में नहीं, हिंदी बोलो, इंग्लिश ना बोलो, हिंदी बोलो बिल्कुल ठीक भाई। उतना भी खास नहीं है, ठीक ही ठाक है, झाट है।
अभी कैमरा देख लो गांड फाड़ दिया भाई। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। इसको तो क्या आप ये तो शेर है। हाँ इससे अच्छा तो शेर तो मेरे गांव शेर नहीं है जी झाटू। अरे ये जो गेंजो ये जाओ ना पता शेर नहीं है देख। हाँ तो लाइन लिखा हुआ लाइन तो शेर होता है बाकी जाती है ना शेर नहीं। अब वो देखो अलग से लग रहा हूँ शेर नहीं शेर तो बब्बर शेर तो। अरे वाह। हाँ बोल बोल क्या लगा ऐसे गांड फाड़ देगा पब्लिक। अच्छा करता है पहला क्या बोलू मैं तू बोलना भाई पहले आए थे हम त्योरी सुन भैया जब हम लाल भाई जाओ में तो गए ना जी लाल भाई पीछे खुलो हुआ बाद में खुलो ही ना हो जी चले जाए अंदर यार खुलो हुआ यार लिखा है नो मास्क नो एंट्री मास्क। एक बार हमारी माता के ऊपर बोल दे मूर्ति जिन्हें बनाई कितनी करनी बनाई है बहुत सी तरह के तेल तेल नहीं है जापानी तेल है जाके अंदर नहीं निकालने। तो गाइस अभी आ गए थे बाहर हम लोग पूरा म्यूजियम देख के। लल्ला कैसा लगा ये बताइयो ओ लल्ला बोरिंग 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 लगा इसको कुछ पसंद नहीं है तुम्हारे तुम्हें कैसा लगा भाई ये घटिया म्यूजियम मैंने कोलकाता में कभी नहीं देखा। अरे यार कोलकाता में एक म्यूजियम है भाई जो भी हो बट ये हीरो बहुत बढ़िया है चेहरा पतला देख तेरा चेहरा पतला है इसको मोबाइल बंद कीजिए मोबाइल बंद कीजिए क्यों मोबाइल बंद करो ना शीशा यहाँ जब हाथ में है तो इससे साफ देखेगा। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना। अरे इससे देखो ना मेरा भाई जब हम दे रहे हैं यार शीशा ना लगाना वो। अरे यार चश्मा फोटो ना खींच रहे थे ना चश्मा लगा के पता क्यों क्यों बहुत से लड़का आता है मैंने बहुत सी बार देखा हुआ मतलब लड़का वगैरह आता है वो ओनली चश्मा लगाओ फोटो खींचो और चले आता बस उन्हें का चाहिए फोटो वगैरह खींच लो बहुत है ताकि चश्मा ना लगा दो बाद में घुमा देंगे कैमरा लगाओ रेन व्यू ग्लास ना तो तेरे मान पड़े कोलरा हो जाए ठंडी गर्मी क्यों है मैं क्या करूँगा अब जाके जा रहा फिर जा रहा फिर हेलो बड़ू तो आएंगे आएंगे फिर गाइस अभी अपन आ चुके थे आ गए मतलब और भाई यार सही बताऊँ तो मुझे लग रही है अभी भूख बहुत तेज क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया सिर्फ सुबह सुबह नाश्ता किया था थोड़ा बहुत उसके बाद खाना भी नहीं खाया भाई देख रहे हो और म्यूजियम में गए थे चूतिया पंक्ति सब दो बार जा चुका ना इसकी वजह से अब बेकार लगता म्यूजियम में जाने का अब कहीं और जाएंगे कहीं ट्रिप पे जाएंगे अभी यार छुट्टी नहीं मिल पा रही सी बताऊँ तुम्हें चलेंगे कोई ना। हाँ सही हो गए सही हो गए बेट यार ये तो बीमार है वे का हो है ये तो काम है तो हम देख रहे थे यार फिर ये तो चलते कहीं यार घूमने सो रहा है रूम पे सो रहे थे बहुत सही सो रहे हैं यार चलो सो ले कोई बात नहीं। गाइस कैसे हो बहुत बढ़िया है गाइस तो बहुत बढ़िया है अरे तो कुछ करना ही नहीं है तो फिर भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना और बाय। गाइस अगर आपको आना हो हमारे यहाँ तो आप आ सकते हैं हमारे यहाँ नहीं मतलब इस होटल में यहाँ पे ज़्यादातर कपल्स आते हैं जो कि ये बहुत मज़े लेते हैं अगर कपल्स आते हैं तो आवाज़ आती है कैसी आवाज़ आती है कैसी आवाज़ आती है।